तो गैसे और वैसे जो है सब लोगों को कॉमेडी वीडियोस देखने में ही मजा आता है, साइंस से रिलेटेड वीडियो हो या फिर कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो हो तो वो जो है उनको बोरिंग लगती है और वो उसे देखते भी नहीं है। लेकिन गैसे यार सिर्फ मेरे कहने से इस वाली वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी पूरे ध्यान से जरूर देखिएगा और गैसे यकीन मानिए कि वीडियो के लास्ट में आपके मुंह से भी बस एक ही चीज निकलेगी, वाओ। और साथ ही साथ इससे आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो गाइस यार वैसे जो है वाईफाई को तो सभी जानते हैं कि वाईफाई की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर बिना किसी वायर यानी वायरलेसली ट्रांसफर कर पाते हैं। लेकिन गाइस जो वाईफाई होता है अब उसका जमाना गया, क्योंकि गाइस वाईफाई के कुछ नुकसान भी हैं। वाईफाई के अंदर रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल होता है जिससे रेडिएशन निकलता है और साथ ही साथ उसे जो है काफी आसानी से हैक भी किया जा सकता है, जिससे जो आपका जो डेटा है पर्सनल वो चोरी होने के संभावना रहती है, मतलब चोरी होने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। और साथ ही साथ वाईफाई के अंदर जो हमें स्पीड मिलती है उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती है। तो गाइस यार अब एक नई चीज है जिसे हम वाईफाई के नाम से जानते हैं। वाईफाई के अंदर रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल किया जाता है जबकि वाईफाई के अंदर लाइट का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए। और गाइस उसके कई सारे फायदे भी हैं। पहली बात कि वाईफाई के अंदर जो डेटा होता है वो पूरी तरीके से सिक्योर होता है, उसे कोई भी हैक नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ वाईफाई का जो इस्तेमाल है वो अंडर वाटर भी किया जा सकता है। और गाइस वाईफाई की जो स्पीड है वो भी सच में काफी कमाल की होती है, करीब करीब 240 Gbps तक और 100 Gbps तक तो इसका टेस्ट भी हो चुका है। तो गाइस और भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि इसे हम सिंपली घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं वाईफाई के ऊपर, जिसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लाइट की मदद से भी डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए अब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो गाइस यार उसके लिए हमें सिंपली कुछ बेसिक चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहले तो एक सिंपली एक स्पीकर की जिसके अंदर ऑक्स केबल लगती हो कुछ इस तरीके से, और सिंपली इस तरीके की एक ऑक्स केबल की। आप इसकी जगह पे जो हेडफोन्स होते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक 9 वोल्ट की बैटरी की, उसके साथ में इस क्लिपर की, एक छोटी सी एलईडी की कुछ इस तरीके की, और रेसिस्टर्स की। गाइस ये जो है 220 ओम वाला रेसिस्टर है, आप सिंपली ऊपर नीचे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय तो ये है कि आप इसी का इस्तेमाल कीजिए। साथ ही साथ एक नॉर्मल सोलर पैनल की, कुछ इस तरह के छोटे से सोलर पैनल की, आपको ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वाली दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम सिंपली इस ऑक्स केबल को काट लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब मेरे पास यहाँ पर इसके दो मुंह हैं, तो अब हम क्या करते हैं, हम सिंपली इसे छील लेते हैं। इसके अंदर हमें 3 वायर्स देखने को मिलेंगे, हम इन तीनों को भी छील लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली 2 वायर्स को आपस में मिला देंगे और 1 वायर्स को ऐसे ही रहने देंगे, और इसे हम जो है सीधे ही इस सोलर पैनल के साथ में कनेक्ट कर देंगे। इस वाली वायर को कर देते हैं इसके साथ में कनेक्ट कुछ इस तरीके से, और इसे जो है इसके साथ में। अब इसको रख देते हैं साइड के अंदर, और जो दूसरा हिस्सा है ऑक्स केबल का इसे भी सिंपली छील लेते हैं। इसके अंदर भी ठीक वैसे ही हम 2 वायर्स को आपस में मिला देंगे और 1 वायर को ऐसे ही रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक एलईडी लेंगे और इसका 1 वायर सिंपली इसके साथ में कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। अभी हम कच्चे कनेक्शंस कर रहे हैं, बाद के अंदर हम सिंपली सोल्डरिंग की मदद से इन्हें मजबूत कर देंगे। ये रेसिस्टर लेंगे और इसे जो है हम सिंपली इसके साथ में कुछ इस तरीके से लगा देंगे। अब सिंपली बैटरी का ये जो क्लिप होता है इसे लेंगे, इसे भी थोड़ा सा छिल लेते हैं। अब सिंपली ये जो रेड वायर है इसे हम सिंपली इस रेसिस्टर के इस वाले हिस्से के साथ में कनेक्ट कर देंगे, और ये जो दूसरा हिस्सा है इसे हम सिंपली ये जो जैक है ऑक्स केबल है इसका ये जो तार बचा है इसके साथ में कनेक्ट कर देंगे। काफी सिंपल सा कनेक्शन है। राइट
गाइस तो अब हमारा जो काम है वो लगभग खत्म हो चुका है। अब आप सिंपली कनेक्शंस को देख लीजिए। तो इस वाले पार्ट के अंदर हमने सिंपली सोनर पैनल को जो इसके प्लस वाले तार और माइनस वाले तार है उसे सीधे ही इस ऑक्स केबल के साथ में जोड़ दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दो वायर थे उन्हें हमने इसके साथ में जोड़ दिया है नेगेटिव के साथ में, और जो एक वायर था उसे हमने सिंपली पॉजिटिव के साथ में जोड़ रखा है। इसे हम रख देते हैं साइड में। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दो वायर्स थे ऑक्स केबल के उन्हें हमने सिंपली एलईडी के साथ में सीधा ही जोड़ दिया है, और जो इसका रेड वाला वायर है जो एक था उसे हमने सिंपली इस क्लिप के साथ में जोड़ दिया है, और इसका जो दूसरा हिस्सा है यानी कि दूसरा तार है वो सीधे ही यहाँ पर इस रेसिस्टर के साथ में जुड़ा है, और रेसिस्टर सीधे ही इस एलईडी के साथ में जुड़ा है। अब हम क्या करते हैं, हम सिंपली इसे जो है इस बैटरी के साथ में लगा देते हैं और इसका टेस्ट लेते हैं कि ये कनेक्शन सही से हुए हैं या फिर नहीं। फिर हम क्या करेंगे, इस ऑक्स केबल को सीधे ही मोबाइल का जो जैक है उसमें लगा देते हैं, और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एलईडी है वो जल चुकी है। अगर ये नहीं जलती है तो हम सिंपली एलईडी को चेंज कर देते हैं, इस वाले तार को इसमें जोड़ देते हैं और इस वाले तार को इसमें जोड़ देते हैं, काफी आसान है। अब हम क्या करते हैं, हम सिंपली इसे इस कार्डबोर्ड के अंदर फिक्स कर देते हैं ताकि ये आसान हो जाए। ऑलराइट गाइस, तो यार ये तैयार हो चुका है हमारा वाईफाई वाला एक्सपेरिमेंट, तो चलो इसका टेस्ट करते हैं। गाइस कनेक्शंस और सारी चीजें वैसे ही है, हमने बस इसे कार्डबोर्ड पर थोड़ा सा फिक्स कर दिया है। तो अब हम क्या करते हैं, इस वाली ऑक्स केबल को सीधे ही इस स्पीकर के अंदर लगा देते हैं और फिर हम क्या करते हैं इस वाली केबल को जो है हमारे स्मार्टफोन के अंदर लगा देते हैं, और इसके अंदर जो है हम सिंपली एक सॉन्ग प्ले करते हैं। ऑलराइट गाइस, और अब देखना मैजिक। और गाइस आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने ये वाली ऑक्स केबल लगाई है ये जो एलईडी है ये जल चुकी है। अब देखना जैसे ही मैं इस सोलर पैनल को इस लाइट के सामने लाता हूं फिर देखना क्या मैजिक होता है। ऑलराइट गाइस, अब आप देख सकते हैं कि जो सॉन्ग है वो सीधे ही इस लाइट के थ्रू इस सोनर पैनल से होते हुए सीधे ही स्पीकर के अंदर बज रहा है, यानी कि जो ये जो डेटा है ये सिंपली लाइट की मदद से इस स्पीकर के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। और अगर मैं इसके बीच में अपना हाथ फंसा लेता हूं तो आप देख सकते हैं कि गाना बंद हो जाता है, और जैसे ही मैं हटाता हूं सॉन्ग फिर से चलना स्टार्ट हो जाता है। है ना गाइस, सच में काफी कमाल की चीज। और जहां जहां तक ये रोशनी जाएगी वहां तक ये सिग्नल कैच करेगा। और गाइस यार काफी लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि यहाँ पर जो है डेटा का ट्रांसफर ना होके एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो स्पीकर है इसके अंदर पहले से ही बैटरी लगी है, ये सिर्फ यहाँ से आने वाले सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर रहा है। तो इसके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ डेटा का ट्रांसफर हो रहा है ना कि एनर्जी का। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं अपना हाथ इसके बीच में लगा देता हूं तो जो है गाना बजना बंद हो जाता है, मतलब कि जो डेटा का ट्रांसफर है वो भी बंद हो जाता है। और गाइस यार अगर यहाँ पे सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता तो अगर मैं इसे सिंपली इस तरीके से घुमा दूं और जो स्टूडियो के अंदर लाइट्स हैं उनसे ही ये गाना बजना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अगर इसके सामने रखता हूं तो ही जो है वो डेटा का ट्रांसफर होता है और इसके अंदर गाना बजता है। तो गाइस यार ये चीज बिल्कुल भी फेक नहीं है, आप सिंपली इसे घर पे भी ट्राई करके देख सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि यार आप सिंपली इसे घर पे ट्राई करके जरूर देखिएगा, काफी आसान है और बनाना बहुत ही ज्यादा सिंपल है और चीज सच में लाजवाब है। और
राइट गाइस, तो यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है सच में काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। और गाइस यार ये जो एक्सपेरिमेंट है सच में काफी आसान है लेकिन बहुत ही ज्यादा औसम है, तो इसे जो है आप सिंपली अपनी स्कूल के अंदर भी ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपके इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे बटन को दबाइए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।